हेलो व्यूअर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। और आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th की, जो कि चल रही थी धातु और अधातु में। हम लोग अंत तक आ चुके हैं और अंत भला तो सब भला अभी कहने का टाइम आने वाला है, जो कि हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या और इसमें पढ़ना है, जो कि और मज़ेदार चीज़ें हो सकती हैं चीज़ों को समझने के लिए, सिलेबस को समझने के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ देखनी है और वो है कि अभी तक मैंने धातु और अधातु को परस्पर क्रिया नहीं कराया है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं धातु और अधातु की क्रिया। तो मैं यहाँ पे लिखूँ मैं बाबू कि पहला यहाँ पे जो आप हेडिंग लगाएंगे उस हेडिंग को लिखेंगे धातु अधातु, धातु अधातु, धातु अधातु की क्रिया, धातु अधातु की क्रिया। मतलब यहाँ पे जो बात की जाए कि मैं जो हेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ उस हेडिंग के संदर्भ में हम बात करें तो हेडिंग यही है बाबू कि धातु अधातु की क्रिया। तो मैं यहाँ पे धातु और अधातुओं की साथ में क्रिया करने वाला हूँ, धातु और अधातु, धातु अधातु की साथ, धातु अधातु के साथ क्रिया। अब देखिए यहाँ पे जो बात करें, सबसे पहली बात ये कि आप धातु और अधातु को समझ चुके हैं, धातु क्या है, अधातु क्या है, और इन सबको समझने के बाद अब मैं बात करने वाला हूँ कि धातु और अधातु के साथ क्रिया करनी है। अच्छा, एक चीज समझिएगा, कोई भी क्रिया क्यों करता है, जो भी ध्यान रखिएगा, जो भी क्रिया करता है, जो भी अपना मतलब कि अपने आप को इधर उधर घुमाता है, उसका कारण ही है कि वो स्टेबिलिटी पाना चाहता है। क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। जैसे मान लो कि आप एक चेयर पर बैठे हो और वो चेयर को आप इधर उधर हिला रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? स्टेबिलिटी पाना चाह रहे हो, मतलब कि थोड़ा सा इधर कर लेंगे तो थोड़ा स्टेबल हो जाएंगे, अर्थात बोला जाए कि कहीं ऊंचा नीचा हो तो आप अपने आप को स्टेबल करना चाह रहे हो। उसी प्रकार जो धातु हैं और अधातु हैं वो क्या है? अनस्टेबल होते हैं। जब एक, हम जानते हैं कि धातु क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन नहीं, मतलब धातु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, जबकि अधातु वहीं पर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो धातु अधातु की क्रिया है वो परस्पर होने का कारण यही है कि तत्वों की आपको याद रखना पड़ेगा कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। मतलब मैं बोलूं कि यहां पे कि जो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए होती है। मतलब एक चीज समझ में आ रहा है कि तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने के लिए होती है। अगर मैं यहीं पे लिखूं बाबू कि जो धातु है वो धातु की संयोजकता कितनी होगी, अर्थात संयोजकता क्या है, तो मैं एक चीज यहां पे लिख दूं कि संयोजकता, तो आपको बता दिया जाए कि संयोजकता वो चीज है कि जो बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो मैं बोलूंगा कि संयोजकता किसी भी तत्व के, क्या लिखेंगे बाबू, किसी भी तत्व के बाह्य कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या संयोजकता कहलाती है। बड़े मजे की बात होती है संयोजकता, और यह संयोजकता यह बताती है कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, मतलब कि रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा, कोई भी मतलब कि सबस्टेंस, कोई भी तत्व तो रिएक्शन करेगा तो कैसे करेगा। जैसे मान लो कि मैंने यहां कहा धातु, क्या कहा? धातु। तो धातु का एक फीचर है इलेक्ट्रॉन त्याग करना। कैसा है बाबू? इलेक्ट्रॉन त्याग करना। धातु का एक जो फीचर है इलेक्ट्रॉन त्याग करना। अब इसी इलेक्ट्रॉन त्याग करने के आधार पर इसकी संयोजकता भी होती है, और इसको पूर्ण करने के लिए मैंने क्या कराया कि अधातु के साथ क्रिया करानी है। तो मैंने कहा कि चलो एक धातु लेते हैं और उस धातु का नाम है सोडियम। क्या नाम है? सोडियम। अब इस सोडियम को समझा जाए, क्लास 9th में आप समझे होंगे KLMN के आधार पर भरना। तो अगर मैं सोडियम को समझूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना बेटा? 11। क्या है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। अब मैं इसको कहूं कि आप इसको भर दो KLMN में, जो कि भरा जाता है, रेफरेंस वैल्यू इसका होता है 2 8 18 32
होता है कि नहीं होता है, ये क्लास नाइन्थ में आप पढ़े होंगे, ये मैजिक नंबर, मैं इसे मैजिक नंबर बोलता हूँ। अब ये 2, 8, 18, 32 के आधार पर ही मुझे 11 भरना है। तो देखिएगा, मैं अगर भरूँ तो इसमें भरूंगा 2, इस सोडियम के लिए मैं यहाँ भर रहा हूँ, के में जाएगा 2, के कोष में गया 2, अच्छा यल में गया 8 जो कि पूर्ण कर रहा है, एक बच गया तो यम में चला गया। अब यही जो एक है बाबू, यही एक जो है उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है। या तो एक के जगह पर उसको पेयर्ड कर दो, मतलब कि अकेले ना रहने दो, या तो उसको निकाल दो, या तो त्याग करो, तो वह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और त्याग करके धनायन बनाता है। तो सोडियम त्याग करके क्या करेगा, धनायन बनाता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि धातु की अधातु से क्रिया कराने वाला हूँ। जब धातु की अधातु से क्रिया कराई जाती है तो समझिएगा कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 1। बाह्य कोष में उपस्थित अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड मतलब कि युग्मित नहीं है, अयुग्मित है, मतलब युग्मित कब हो जाएगा, जब 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, मतलब ये देखा जाए युग्मन, मतलब उसके साथ युग्म बना है, यहाँ पे युग्म नहीं बन रहा। तो ये क्या है, क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये सिंगल है, अर्थात अगर इसमें बात करें के एलेमन में, तो इसमें बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से, जो कि हम आपको समझाने वाले हैं। परंतु आपको ये चीज समझना पड़ेगा यहाँ पर कि एक जो है, एक इसकी स्टेबिलिटी को खराब कर रहा है, और इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ कि ऐसा कोई अधातु लेने वाला हूँ कि जो अधातु इस इलेक्ट्रॉन को रख ले और दोनों क्या हो जाए, मिलकर स्टेबल हो जाए। तो मैंने कहा क्लोरीन को उठा लो, किसको उठा लो, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या हो गया बाबू, अधातु, क्या हो गया, अधातु। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, क्या होता है, 17। अब मैं इसको के एल एम एन के आधार पर भर दूं, तो के एल एम एन मैंने भरा इसमें 2, 8 हो गया। अब यहाँ पे 18 भरा जाएगा तब स्टेबल होगा, परंतु इसमें बच कितना रहा है, 2, 8, 10 और 7, 17। मैंने कहा अगर इसके बगल वाला 8 स्टेबल है तो या तो इसको 8 कर दो या फिर 18 कर दो। तो आप 8 करने के लिए कहोगे सर जो अधातु है, अधातु का एक फीचर है और वो फीचर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का, क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट मतलब क्या है, ग्रहण करने का, ये त्याग कर रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। मैंने कहा दोनों को मिला दो और दोनों को मिला के बना दो, क्या बनाओगे, आप कहोगे सर आपने पढ़ाया है कि मेटल और मेटल, मेटल और नॉन मेटल क्रिया कराएंगे तो वहां पे क्या बन जाएगा, साल्ट बनेगा, अर्थात यहां से बन जाएगा NaCl। सोडियम क्या था, अनस्टेबल था, क्लोरीन भी क्या था, अनस्टेबल था, एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए था और एक इलेक्ट्रॉन इसको त्याग करना था, इस प्रकार ये बॉन्ड बना और बॉन्ड कर बॉन्ड बनाया, एक यौगिक बनाया, कंपाउंड बनाया, जिस यौगिक कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। अब ये आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनके बारे में मैं समझूंगा, बताऊंगा, इसे बोलेंगे आयनिक यौगिक, क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक का मतलब क्या हुआ कि आयन का शेयर हुआ है, आयन के शेयर से जो बना यौगिक होगा उसे क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। अब समझिएगा कि आयनिक यौगिक बना कैसे, मैंने कहा जो सोडियम है धातु वो देने की प्रवृत्ति उसकी अच्छी है, जबकि क्लोरीन क्या है, अधातु, उसको उसको लेने की प्रवृत्ति अच्छी है, तो ये दोनों मिल जाएंगे और मिलकर बनाएंगे आयनिक कंपाउंड। तो क्या मैं यहां पे अब इसको बोलूंगा कि धातु और अधातु के साथ क्रिया होने से आयनिक कंपाउंड बनता है। अगर कोई बात यहां पे मैं ये बात बोलूं तो क्या गलत है, क्या आप बोलोगे नहीं सर ये गलत नहीं है ये सही है। तो मैंने बोला कि आयनिक यौगिक कौन होंगे, तो मैंने कहा विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इनके बीच में एक मजबूत बल बनता है और वैसे यौगिक को क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक। तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, क्या इतनी बात समझ में आ गई, अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो मैं ऊपर से ये लाइन मिटा रहा हूं और ये लाइन मिटाकर मैं कुछ और बातें आपको पढ़ाने वाला हूं, तो इतनी चीजें तो आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं यहां पे लिखने वाला हूं आयनिक यौगिक, मतलब कि अब देखें हम कि धातु और अधातु की क्रिया साथ हुई लेकिन बना क्या बेटा यहां पे, आयनिक कंपाउंड, क्या बन गया, आयनिक कंपाउंड। और इस आयनिक कंपाउंड का मतलब है कि जो हमारा धनायन एंड ऋणायन विपरीत आवेश, क्या है, विपरीत आवेश के मिलने से एक बंध बनता है जिसको बोलते हैं बाबू आयनिक बॉन्ड, क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अब आप ये कैसे कहोगे, ये देखो सोडियम प्लस था, क्लोरीन माइनस था, इनके बीच में एक बंध बन गया, इसे क्या बोलेंगे कि एक बोलेंगे आयनिक बॉन्ड, और ये क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, मतलब कि यहां पे जो बल होगा ये मजबूत बल होगा, क्या होगा, मजबूत बल होगा।
अब एक चीज समझिएगा, हमने कहा ही क्या यहां पर, मैंने कहा कि इसको अच्छे से दर्शाया जाए, तो इसको अच्छे से दर्शाने के लिए मैंने कहा कि चलो इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा दर्शा दे इसको। तो मैंने कहा सोडियम है और सोडियम के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक, कितनी थी एक, और यहीं पे क्लोरीन है और क्लोरीन के बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है सात। तो एक दो तीन चार पांच छह सात। अब ये बना कैसे, तो मैंने बोला ये बनेगा कैसे, तो ये बना है सोडियम प्लस क्लोरीन से और गिब्स क्या बन गया है NaCl, और ये NaCl में इसके आयन इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन था इस इलेक्ट्रॉन को यहां दे दिया गया है। अर्थात ये बोला जाए कि मैं अगर बोलूं कि ये जो यौगिक बना, ये यौगिक जो बना ये भगवान और भक्त के प्रेम को दर्शाता है, अर्थात कि ये है क्लोरीन जो अधातु क्या हो गया भक्त, क्या हो गया भक्त, और यहां पे जो सोडियम है मेटल है वो क्या हो गया भगवान। तो भगवान हमेशा क्या करेंगे कि भक्त को देंगे, तो भक्त को जो भी भक्त मांगेगा अगर श्रद्धा से मांगता है, मतलब कि अपने पूजा पाठ करके बेहतरीन तरीके से उनको खुश करके वो चीज मांगता है, तपस्या करके मांगता है, तो भगवान सदैव उनको देंगे। तो यहां पर देखिए कि जो मेटल है ये भगवान है और इन्होंने भगवान ने क्या कर दिया है कि भक्त को कुछ दिया है, जिससे क्या हो गया दोनों स्टेबल हो गए, मतलब भगवान और भक्त के बीच में जो बंध बनता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बंध बनता है और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो ये याद रखिएगा कि इसके वजह से एक और हमको आयनिक कंपाउंड का फीचर पता हुआ कि देखो भैया कि जो भगवान और भक्त के बीच में जो बॉन्ड बना वो बॉन्ड कैसा हो गया, बहुत मजबूत हो गया और उसको तोड़ना आसान नहीं है, और उसको कौन सा बंध बोलेंगे, आयनिक बंध। अब मैं बात करने वाला हूं कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो यहीं पे अगर इस चैप्टर को, इस टॉपिक को खत्म करने की बात आ जाए तो मैं यहां पे बोलूंगा आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो मैं लिखने वाला हूं कि कुछ बातें याद रखिएगा कि आयनिक यौगिक के गुणधर्म, तो लिखते हैं यहां पे आयनिक यौगिक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। क्या बोलोगे बाबू, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड में, कि आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होगी। तो मैं बात करूं कि सबसे पहले कि इनकी भौतिक प्रॉपर्टीज, क्या मैं बात करूं सबसे पहले भौतिक, तो आपने देखा होगा जो लवण है NaCl सोडियम क्लोराइड लवण, ये बहुत कठोर होता है, कैसा होता है कठोर। अब ये कठोर होने के कारण इनमें एक चीज पाया जाता है भंगुरता, क्या पाया जाता है भंगुरता, मतलब कि अगर इसको एक हथौड़ा मारा जाएगा तो ये चटक जाएंगे और टूटकर बिखर जाएंगे, ये सामान्यतः क्या होते हैं भंगुर इन नेचर होते हैं। अब इसका देखो गलनांक एवं कथनांक, आयनिक यौगिक में गलनांक और कथनांक बहुत उच्च होता है। तो समझिएगा मैं यहाँ पे भौतिक गुण के नीचे दूसरा प्रॉपर्टीज बात करने वाला हूं, और दूसरा प्रॉपर्टीज है गलनांक एवं क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक को समझने के लिए मैंने कहा कि जो गलनांक है और क्वथनांक है ये किसी भी आयनिक यौगिक का उच्च होता है, कैसा होता है उच्च होता है। कारण क्या है, आयनिक बंध का होना, अर्थात जो आयनिक बंध है वो कैसा है मोर स्टेबल देन एनी बॉन्ड, मतलब कि कोई अन्य बंध हो उससे क्या है बहुत स्ट्रॉन्गर है। तो स्ट्रांग होने के लिए जो उसका गलनांक और क्वथनांक होता है उसको गलाने के लिए वो क्या होता है उच्च करना पड़ता है। मैं वहीं पे बोलूँ कि घुलनशीलता, तो मैं यहाँ पे तीसरा बात करने वाला बाबू कि घुलनशीलता, क्या बात करने वाला हूँ कि घुलनशीलता, ये सब NCERT के अकॉर्डिंग चल रहा है ध्यान रखिएगा, घुलनशीलता। और ये घुलनशीलता का मतलब होता है कि ये किस में घुलेगा, तो सामान्यतः ये जल में घुलनशील होते हैं, कैसे हो जाते हैं जल में घुलनशील होते हैं। तो आप लिखोगे सामान्यतः यह जल में क्या है घुलनशील है, परंतु कुछ जगह ये घुलनशील नहीं है, वो क्या है कार्बनिक यौगिक। जैसे मैं बोलूं कि किरोसिन एंड पेट्रोल, क्या है किरोसिन, यहां पे मैं एक लाइन और नीचे लिख रहा हूं कि किरोसिन एंड पेट्रोल एंड पेट्रोल में घुलनशील
नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ध्यान रखिएगा कि मैंने तीन बातें यहाँ बोला है और तीन बातों में तीनों बातें अलग अलग हैं और तीनों बेहतरीन बातें हैं। एक क्या है कि एक भौतिक गुण जो मैंने कहा कठोर है और इनके भंगुरता होगी, दूसरा मैंने कहा उच्च होंगे, कैसे गलनांक एवं कथनांक इनका उच्च होता है, आयनिक बंध होगा, आयनिक बंध के कारण इनका गलनांक कथनांक उच्च रहता है, तीसरी बात मैंने बोला कि घुलनशीलता समानता या जल में घुलनशील होते हैं जबकि किरोसिन पेट्रोल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये समानता घुलनशील किसमें नहीं होंगे, किरोसिन में एंड पेट्रोल में, तो किरोसिन एंड पेट्रोल में क्या होंगे, घुलनशील नहीं होंगे। और एक और है चौथा प्रॉपर्टीज मैं यहां लिख दे रहा हूं, वह चालकता। क्या बोला जाए बाबू, चालकता कि भौतिक गुण, गलनांक, घुलनशीलता और चालकता आयनिक यौगिक के गुणधर्म है। तो चालकता में मैं बोलूं तो आपको बोलूंगा कि जब स्टेबल हो जाएगा कोई भी कंपाउंड तो उस पर विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। ध्यान रखिएगा मैंने कहा कि जब वो स्टेबल होगा, जब वो मतलब कि कठोर रहेगा, तो यहाँ पे लिखा जाए कि कठोर रूप में मतलब कि सॉलिड स्टेट पे, सॉलिड मतलब कि ठोस अवस्था में चालकता नहीं होती, मतलब कि वहां करंट नहीं फैलेगा, करंट वहां नहीं बहेगा, चालकता नहीं होती, ठीक है। जबकि गलित अवस्था में अच्छा चालक हो जाता है। गलित मतलब कि द्रवीय, कैसा बेटा, द्रवीय। तो आपको समझना है कि चालकता ठोस अवस्था में चालकता नहीं होगी, किसमें, जो आयनिक यौगिक है, आयनिक यौगिक में ठोस अवस्था में उनमें कोई भी चालकता नहीं होगी, लेकिन जैसे ही वो पिघलने लगेंगे गलित अवस्था में या पानी में घोल दिए जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन ही जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, उनको गमन कराने में योगदान निभाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन बंधे होंगे, ठोस होगा, तो वहां पे करंट नहीं बहेगा, केवल सतह पे हल्की करंट रह जाएगी, वो भी बहुत माइनर। लेकिन जब वो गलित अवस्था में पहुंच जाए तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत का एक अच्छा सुचालक हो जाएगा, करंट बहुत तेज लगेगा, उठा के तुमको पटक देगा। ध्यान रखना कि जब तुम्हारे बिलियन में तुमने नमक घोल के और पानी बना के लेके जा रहे हो और करंट उसमें डालोगे तो ऐसा मारेगा कि मारवे करेगा, ठीक है ना, तो देख लेना, ध्यान रखना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी, आज की पूरी कहानी ये रही कि हम लोग कैसे धातु और अधातु की साथ में क्रिया देखेंगे और क्या बनेगा। तो मैंने कहा कि धातु और अधातु के साथ क्रिया कराने से मुझे एक चीज बना जिसका नाम है आयनिक कंपाउंड, आयनिक यौगिक। फिर मैंने आयनिक यौगिक को समझाया कि आयनिक यौगिक कैसे होंगे, तो मैंने कहा आयनिक यौगिक में दो कंपोनेंट होंगे, एक मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल क्या हो जाएगा, भगवान की तरह हो जाएगा, और नॉन मेटल क्या हो जाएगा, भक्त की तरह। भगवान हमेशा इलेक्ट्रॉन को देंगे और भक्त क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। कोई बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। अब रही बात की आयनिक यौगिक के गुणधर्म, मैंने कहा गुणधर्म में भौतिक है, गलनांक है, कथनांक है, और क्या हो जाएगा आपका नेचर, नीचे हमने बोला कि घुलनशीलता फिर चालकता। ये चार पांच बातें आपको याद रखनी है, मोटी मोटी बातें हैं परंतु बहुत मोटी बातें हैं, ठीक है, छोटी छोटी पर मोटी मोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यही आपका आज का सारांश है कि कुल मिला जुला के हम लोग आयनिक यौगिक बना लिए, पढ़ लिए, समझ लिए। अब रही बात कि इसको पढ़ेंगे कैसे, तो पढ़ना आपको है, रिवाइज आपको करना है, लेकिन सही वे में, कि जो भी चीज़ें हैं आप एक बार NCERT आपके पास हो तो पलटिए, देखिए क्या सर ने वैसा ही पढ़ा है जैसा NCERT में जो चीज़ें हैं, और उसी के अकॉर्डिंग क्या हम लोग चल पा रहे हैं। इसके साथ साथ क्या करनी है कि NCERT के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चंस को देखना है कि क्या जो सर ने पढ़ाया वो क्वेश्चंस में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और क्वेश्चंस में अगर दिख रहा है तो हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, और क्वेश्चंस नहीं दिख रहा है तो आपको कुछ और मतलब कि पढ़ के और थोड़ा सा एग्जाम्पलर देख लीजिए, मतलब कि एग्जाम्पल उदाहरण में देख लीजिए कि उदाहरण में क्या क्या दिया हुआ है, उदाहरण देखने के बाद आप समझ लीजिए कि मतलब कि उसमें आंसर आप दे पाइए, अगर आप आंसर दे पा रहे हैं समझिए बेहतर पढ़ाई चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप। तो ये सब चीज़ें आपको मोरली आपको मतलब कि पूरा अच्छे तरीके से दे दिया गया। सो थैंक यू वेलसियंस।